नमस्कार दोस्तों, जैसे हम जानते हैं कि जो आवारा पशु हैं वो फसलों का बहुत नुकसान कर जाते हैं। पशुओं को छोड़ना सरकार की नीति की वजह से किसानों की मजबूरी है, तो किसान के हाथ ही सरकार की नीति किसान का नुकसान करवा रही है। चलिए, वो तो सरकार को जानना है या वोट देने वाले किसानों को जानना है। तो हम बात करेंगे कि जैविक फेंस जो है वो कैसे बनाई जाए। फेंस या खेत में पेड़ लगने ना लगाने के कारण का कारण है, जो किसान की सोच है कि अगर वो पेड़ लगा लेगा तो उससे छाया होगी तो फसल जो है उसके नीचे जो फसल लगेगी उसकी पैदावार कम होगी। तो इसलिए जो फेंसिंग करनी है, जैसे पहले भी आपको बताया था, वहाँ पे फसलों की जो पौधे हैं या पेड़ हैं उसका चुनाव बड़े ध्यान से करना चाहिए। तो अनार एक बहुत अच्छी फसल है, ऐसे पौधे हैं, ये बिल्कुल झाड़ी वाला पौधा होता है अनार, आप देख सकते हो। ये एक साल का पौधा है, पांच लगाए थे, तीन फेंस के इस साइड में और तीन जो है वो दूसरी तरफ लगाए हुए हैं, दो अलग अलग किस्मों के। तो तीन चार तरह किस्मों के अनार पंजाब में मेनली लगाए जाते हैं, तो कंधारी है, अब्दुल्ला है। तो अनार जो है आप चार चार पाँच पाँच फीट पे लगा सकते हो, जैसे आपको बताया था कि करौंदा लगाना है या बेर लगाने हैं, नींबू जाति के पौधे लगाने हैं। तो ऐसे ही अगर आप कोई बड़े पौधे लगा रहे हो तो अनार बीच में लगा सकते हो, अनार बहुत ऊंची हाइट नहीं होती है तो ये बिल्कुल झाड़ीनुमा बन जाता है और थोड़े थोड़े इसमें कांटे भी आते हैं। तो ये जो है एक बहुत अच्छा आपका जो कह सकते हैं वैल्यू फॉर मनी है, कि किसान को लगता है कि अगर फेंस पे वो पौधे लगाएगा तो उसकी जगह कम हो जाएगी और जगह कम होगी तो पैदावार कम हो जाएगी। तो अनार एक बहुत ही पौष्टिक फल तो है ही, लेकिन बाज़ार में अच्छा रेट भी इसका मिलता है। तो तीन चार साल में अनार जो है वो फल देने लग जाता है। तो ये एक साल के पौधे हैं, तो ये दो पौधों को तो अच्छा पानी मिला है, वो लास्ट में शायद पानी कम पहुंचा है तो छोटा रह गया, थोड़ा झाड़ी बहुत भी होता है। तो इधर जैसे नींबू जाति के लगाए हैं, आगे अगर दिख रहा हो तो अनार के और भी पौधे हैं, वहाँ बीच में अभी हल्दी लगा दी है, अरबी लगी हुई है और यहाँ साइड में इसके बीच में हल्दी लगा दी गई है, तो अभी निकलेगी, थोड़ा लेट हो गया था। तो अरबी के यहाँ भी कुछ पौधे लगे हुए हैं, तो गर्मी इतनी भयानक है कि पौधे जल रहे हैं तो नए फटार इसमें से निकल रहे हैं। तो अनार जो है उसका मंडीकरण सबसे आसान है, क्योंकि आप देखोगे जितनी भी जूस की रेहड़ियाँ होती हैं, जूस बार होते हैं, रेस्टोरेंट में चले जाओ आप, होटल में चले जाओ, तो वहाँ दो फल होते हैं जिसका जूस मिलता है मेनली, एक तो मौसमी है और दूसरा अनार। तो इस तरीके से जो है आप अनार जो है अपने फसल में ऐड कर सकते हैं। तो 10-15 पौधे इसके लगाएं, हर किस्म के चार चार पांच पांच पौधे लगाएं। बहुत इसको अगर फेंसिंग है, जैसे मैंने तो इसमें बीच में जगह छोड़ रखी है, तो बीच में जैसे ये अरबी है, हल्दी लगा दी है, तो ऐसी फसलें लगी रहती हैं। अभी जैसे बरसात में जैसे ये फेंस पे आप देख सकते हैं कि तोरी की बेल चल रही है, तो ऐसे कुछ बेल भी लगा देंगे, क्योंकि हमें तो इतने छोटे से एरिया में सब कुछ लेना है। तो किसान जो है इसको बिल्कुल पास पास में कि करीबन 2.5 फीट या 3 फीट पे पौधे लगा सकते हैं, ताकि ये बिल्कुल एक झाड़ी ऐसे बन जाए कि इसमें से कुछ भी अच्छे से निकल ना पाए। तो ये एक फेंस के साथ फिलिंग क्रॉप जो है, मेन फेंस नहीं, ये फिलिंग क्रॉप के तौर पे
अनार लगाए जा सकते हैं ताकि किसान का जो पौधे लगाने की वजह से नुकसान हो वो इससे पूरा हो सके। तो सिर्फ 3 साल का इंतजार है, उसके बाद जो फेंस है आपको कमाई देना शुरू कर देगी। तो अनार को अगर कांट छांट नहीं करो तो ये बिल्कुल ऐसे ही बढ़ता जाएगा। तो अगर कांट छांट इसकी प्रॉपर करते रहो तो फल भी अच्छा मिलेगा और कमाई भी अच्छी हो जाएगी। तो ये प्लानिंग करने का अभी सही टाइम है। तो पंजाब में जैसे अभी पैडी की ट्रांसप्लांटेशन 15 जून से शुरू हो जाएगी, तो किसानों ने सोच रखा है तो खेत के जो बंड्स हैं वहाँ पे आप अभी से प्लानिंग कर सकते हो कि हर खेत साइड में 3-4 फीट की जगह छोड़ के तो ये पेड़ लगाए जा सकते हैं। तो पानी को स्पेशल लगाने की ज़रूरत नहीं है, पैड़ी को खूब पानी लगता है। बरसात में ये लगेंगे वैसे तो 2 समय, लेकिन सही समय बरसात ही रहता है। ये अगस्त के 15 अगस्त के बाद आप, या बेस्ट टाइम सितंबर है, तो ये लगाएं। और इसके साथ और भी ऐसी फसलें जैसे अंजीर हो गया, जिनके पौधे बहुत ज़्यादा नहीं फैलते, और पपीता हो गया, केला हो गया। तो मेन जो फेंस है वो जैसे आपको पहले दिखाया था कि आप इसकी लगा सकते हो, करौंदा लगा सकते हो, बेर लगा सकते हो, नींबू जाते के पौधे लगा सकते हो। तो ऐसी फसलें जो हैं, ऐसे पौधे जो हैं वो बीच में फिलर के तौर पे आप लगा सकते हो। सरकारी नर्सरियों में या आसपास जो किसान काम कर रहे हैं वहाँ पता कीजिए कि कब इसकी बुकिंग, शायद ये जुलाई एंड में बुकिंग शुरू होती है, जुलाई स्टार्टिंग में पंजाब में, तो पता करके पहले से आप बुकिंग करवाइए, जाके देखिए कि कहाँ पे आपको अच्छे पौधे जो है वो मिल सकते हैं। तो ये पौधे जो हैं मैं पंजाब में बरनाला डिस्ट्रिक्ट में अमृत सिंह से लेके आया था। तो यूनिवर्सिटी की किस्में हैं, ये नाम मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं है। तो एक अब्दुल्ला है, एक शायद ये कंधारी है, और उस साइड में शायद अब्दुल्ला है। तो जो सिफारिश किस्में हैं वो आप लगाइए, ज़्यादा एग्जॉटिक के पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो एग्जॉटिक भी अगर आपको अच्छा लगते हैं तो वो भी लगाइए, लेकिन ये जो अपने लोकल हैं, यूनिवर्सिटी के सिफारिश हैं, जो हमारे मौसम के हिसाब से हैं, उन पे आपको ज़्यादा भरोसा करना चाहिए। तो 2 पौधे फेंसिंग के लिए आपको बताए हैं कि जिनकी मार्केट में अच्छी वैल्यू है, जो पूरा साल बिकते हैं, स्टोरेज भी उतनी दिक्कत नहीं है। तो मेन फेंस के लिए मौसम्मी लगाइए, बीच बीच में नींबू लगाइए, और मौसम्मी के पौधे जो हैं आप 10 से 15 फीट के डिस्टेंस पे लगा लीजिए, और उसके बीच में अनार लगाइए। तो दोनों फल हैं जो रेडी पे पूरा साल बिकते हैं। तो आपकी फेंसिंग भी हो जाएगी, और फेंसिंग के साथ साथ आपको फ्रूट भी मिलना शुरू हो जाएगा। और अभी जैसे हमने देखा कि पंजाब में बहुत से किसानों ने जो गेहूं की नाड़ है, जो उसका ना बचा हुआ अवशेष है, सबको आग लगाई है, या पेड़ जल रहे हैं, कई जगह तो कुछ जान माल का भी नुकसान हुआ है। तो अगर पेड़ लगे होंगे तो आप आग लगाने से पहले किसान बहुत बार सोचेगा। तो एक पंजाबी में कहावत है, 1 रुख 100 सुख, मतलब 1 पेड़ 100 सुख। तो ये एक और सुख है जो ये पेड़ दे सकते हैं, किसान को कमाई भी दे सकते हैं, और आगजनी जो हो रही है उसमें भी कमी आ सकती है। तो अगर हम बात करें पैदावार की, तो पंजाब में आने वाला लगभग 99.9999% अनार और 100% मौसम्मी जो है वो बाहर से ही आती है। तो हमारे बहुत सारे किसान यूनियन वाले वो सब बोलते हैं कि हमारा प्याज पाकिस्तान बॉर्डर खोल दो, अफगानिस्तान बॉर्डर पे जाने दो कि हमारा प्याज आलू बिके। तो हम बाहर से चीज़ें ला के महंगी चीज़ें खा रहे हैं, 10 रुपए का आलू बेचने की बात कर रहे हैं, और यहाँ 100 रुपए का अनार हम बाहर से मंगवा के खा रहे हैं। तो ये आत्मनिर्भरता कमाई है, उसका सही तरीका आपको खोजना है। वो मार्केट में आप देखो, जब बाज़ार जाते हो आसपास देखो कि क्या वहाँ पे बिक रहा है, तो वो हम क्यों नहीं पैदा कर रहे हैं।
तो हम वो चीज़ें पैदा कर रहे हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में जो आपने यहाँ लिमिटेड यूज़ में है, तो उसके लिए हम सोच रहे हैं कि कोई और मार्केट मिल जाए, सरकार कुछ कर दे। तो वो जो हम खुद जिसके ग्राहक बने हुए हैं, ज़मीन किसान के पास है और फल जो है वो बाहर से लेके खाता है, जूस जो है वो बाज़ार में रेडी से जाके पीता है, तो किसान को भी ये सोचना पड़ेगा। तो अभी से आप ये प्लानिंग कर सकते हो कि कैसे जो है आपको अपने खेत में फलदार पौधे जो है वो लगाने हैं। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना और जो बागवानी विभाग है उनकी तरफ से एक बहुत अच्छा मॉडल, जैसे जो भास्कर सावे जी गुजरात से जो कुदरती खेती के महात्मा गांधी उनको बोला जाता है, तो उन्होंने 5 लेयर मॉडल डेवलप किया था। जैसे सुभाष पालेकर जी भी बताते हैं कि 5 लेयर मॉडल, ऐसे ही मॉडल जो है वो PAU और बागवानी विभाग ने भी एक विकसित किया है। उसके पैम्फलेट इंग्लिश पंजाबी में शॉप के दिए गए हैं। होशियारपुर में तो कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से कई किसानों के ट्रायल लगाए गए हैं, इसके मतलब उनके सहयोग से ये किया गया है। तो आप भी जो है पेड़ ज़रूर लगाइए, तो सौ सुख आप भी पाइए, सबको भी दीजिए। धन्यवाद।